ओके ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं? ठीक है, तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि कैसे सिर्फ हमारे पास 3 महीने के अंदर हम 95++ कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टारगेट सेट करना है, सिर्फ आपको पता है कि जो सिलेबस है आपका रिड्यूस हो गया है, 30% कम हो गया पहले, और कुछ चैप्टर को दूसरे चैप्टर मर्ज कर दिया गया है। तो टोटल अब जो सिलेबस है वो आप लोगों के पास कितने है, 12 चैप्टर। ध्यान रखना कि टोटल जो चैप्टर है वो कितने है आपके पास, 12 चैप्टर है। और मैंने बताया था, शायद हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुना था, जो स्टूडेंट अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, मैम चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करें प्लीज। बच्चे आप लोगों ने बताया था मैंने कि लास्ट वीक आप लोगों को कि विनिंग कस्ट ऐप ने अपना ऐप लॉन्च किया है, आप प्लीज उसे डाउनलोड कीजिए, वहां पे बहुत सारे नोट स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएंगे वहां से। मैम हमारा एग्जाम 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारे लिए कुछ। ठीक है बच्चे, मैंने आपकी आवाज सुन ली है, आपने बताया था कश्मीर से आपके एग्जाम 12 नवंबर से, आपके पास 10 या 11 दिन है। कोई बात नहीं, आपके लिए मैं पेपर 3 पेपर सेट बनाऊंगी, आप उसकी रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, वो मैं आपको सेपरेट दे दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट है जिनके पास अभी टाइम 3-4 मंथ्स अवेलेबल है, वो बच्चे जो है वो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगी क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है 10-12 दिन में। आई होप कि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बस जरूरत हो वो मिल जाएंगे आपको। चलिए तो वह बात करते हैं, टोटल हमारे चैप्टर 12 चैप्टर है। आपको मैंने बताया कि 1 वीक में कितने चैप्टर प्रिपेयर करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 चैप्टर, 1 हफ्ते में सिर्फ आपको 1 ही चैप्टर प्रिपेयर करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ 1 पॉलिटिकल साइंस का ही सिलेबस है, आपके पास और भी बहुत से सिलेबस है, आपको साथ में उनकी भी रिविजन करनी है। तो 1 हफ्ते में 1 चैप्टर लॉजिकल है, वो बहुत आराम से हर स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकता है। और ध्यान रखिए कि 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, 1 मंथ में 4 वीक। तो हमने क्या कहा है कि 1 वीक में 1 चैप्टर करेंगे, तो 1 मंथ में हमारे कितने चैप्टर जाएंगे, 4 चैप्टर। जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई ना किया हो वो उनके लिए भी बता रही हूं कि वो भी 95 स्कोर कर सकते हैं अगर इस तरह से केवल 3 महीने स्टडी करें। तो जैसे कि नवंबर से हमारा स्टार्ट हुआ है टारगेट, ठीक है, तो नवंबर के महीने में यानी कि 1 मंथ में हमें कितने चैप्टर प्रिपेयर करना है, 4 चैप्टर, 1 हफ्ते में सिर्फ 1 चैप्टर। और जो भी संडे, आपको पता है कि ना तो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होती है, कुछ नहीं होता, कोरोना का टाइम है, कहीं बाहर जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप लोगों घर में ही रहना है, तो मेरे हिसाब से तो ये वक्त आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसको नेगेटिव मत लो, इसको पॉजिटिव लो कि आपको डिस्ट्रैक्शन, फ्रेंड किसे मिलना, पार्टीज, रिलेटिव्स के घर में आना जाना, ये सब आप लोगों को नहीं हो रहा है, वरना ये भी एक तरह से डिस्ट्रैक्शन ही है। तो मैं तो सोच रही हूँ आप लोग बहुत ही किस्मत वाले स्टूडेंट हो, फॉर्चून हो कि आप लोग इस तरह की जो दिक्कत है उनका सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो चलिए क्या करना है आपको कि 1 हफ्ते में जो 1 चैप्टर प्रिपेयर करना है, उसके बाद एवरी संडे आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर आपने उस वीक प्रिपेयर किया है उसका अपने आपको टेस्ट देना है, जिसमें आपको MCQ भी कवर करना है, वो मैं आप चाहे तो मेरे जो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे मैंने दे रखे हैं क्वेश्चन है, और साथ ही साथ मैं उसको और भी अपडेट कर रही हूँ, प्लस आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन या जो भी चैप्टर है 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, वो सारा चैप्टर इस तरह से प्रिपेयर करना है कि फिर आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप रिवीजन में लेना है, अब दोबारा आपको देखने ना पड़े, इस तरह से प्रिपेयर करने, क्योंकि आपने पूरा 1 वीक लिया चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, बहुत लंबा पीरियड होता है, अगर 2-2 घंटे 1-1 घंटे भी आप रोज पढ़ेंगे तो भी आपके बहुत ही आराम से चैप्टर कवर हो जाएंगे। चलिए फिर दिसंबर के महीने में फिर वही 1 मंथ यानी कि 2nd मंथ हमारे पास आ गया, इसमें भी हमारा टारगेट सेम ही है कि हमें 4 चैप्टर और प्रिपेयर करना है, और इसी तरह से हर संडे को अपने आप को टेस्ट देना है। मैंने बताया था आपको कि मैं लाइव क्लासेस भी ले रही हूँ जहाँ पे मैंने आपको हर जो भी वीक में पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, MCQ होंगे, हर क्वेश्चन होंगे, तो वो आप लोगों को खुद भी देना है, जरूर नहीं है कि आप लोग मेरे कोर्स बाय करोगे तो ही, आप लोग खुद भी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, खुद को भी दे सकते हो, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल ये सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाती है। फिर जनवरी का 3rd मंथ आ गया आपका, उसमें भी आपको 4 चैप्टर ही प्रिपेयर करना है, तो यानी कि आप देख लेते हैं कि 31 जनवरी तक आपके टोटल जो 12 चैप्टर थे वो आपने कंप्लीट किया, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हफरा तफरी नहीं, आपने 1-1 चैप्टर 1-1 घंटे 2-2 घंटे में आपने प्रिपेयर किया, बाकी सारे चैप्टर सिलेबस को, बाकी दूसरे सब्जेक्ट को भी आप साथ में लेकर चल रहे हैं।
अब जो आपके पास फरवरी का मंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना, आप जितना मर्जी पढ़ ले, जब तक आप 3 घंटे का पेपर नहीं देंगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कैसे पेपर करना है। तो ये जो फरवरी के महीने में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम से कम आप लोग 10 से 12 पेपर सॉल्व करें। कितने कितने घंटे के? 3-3 घंटे के। यानी कि जैसे पेपर का पैटर्न आता है उसी हिसाब से, जैसे मैं आपको, मैंने बहुत सारे अपलोड किए भी है और करूंगी भी, कि पेपर का जो पैटर्न होता है जिसमें स्टार्टिंग में जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो MCQ के होते हैं, फिर आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन, वो पूरा जैसा पेपर का पैटर्न होता है आपको कुछ नहीं करना है, उसको डाउनलोड करना है, घड़ी में आपको अलार्म लगाना है कि 3 घंटे का स्टार्ट करो, 3 घंटे पे उसको स्टॉप कर दो, और फिर जज करो कि आपने कितने क्वेश्चंस खत्म किए हैं, कैसे आपने आंसर लिखे हैं। यानी कि ये जो 10 से 12 पेपर करने के बाद आपने इतना गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब आप बोर्ड में एग्जाम देने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी लगेगा कि मैं बोर्ड के एग्जाम दे रहा, आपको लगे हम तो बैठ के सिंपल एक टेस्ट पेपर ही सॉल्व कर रहे, जो हमने 10 पेपर सॉल्व किए हम 11वां या 12वां सॉल्व कर रहे। ये टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा मैं ऑफलाइन भी क्लासेस लेती हूँ, तो ये चीज मैंने हर एक बच्चे पे मैंने अप्लाई किया है, और देखा है मैंने कि जो भी प्री बोर्ड में 10 या 12 नंबर बच्चे लेके आते थे वो बोर्ड के एग्जाम में 90+ या 95 मार्क्स लेके आए। इतना मतलब कहता है ना कि रामवाल है ये टेक्निक, ये अगर जब तक फॉलो नहीं करोगे आपके 95 आप स्कोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने आपको 3 महीने का टारगेट दिया कि 3 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और बाकी के फरवरी के महीने में पूरे फरवरी आपको क्या करना, कम से कम 10 से 12 पेपर 3-3 घंटे वाले सॉल्व करने। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि पेपर में कैसे आंसर लिखने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ते बहुत ज्यादा है बट वो स्कोर नहीं कर पाते, मतलब पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, 3 बार रिविजन भी हो जाती है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं वही 60 और 70 के बीच में आते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या, आपको आंसर लिखना नहीं आता। तो आंसर कैसे लिखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपसे मांगा है, 6 मार्क्स में कितने लेंथ होनी चाहिए, 2 मार्क्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, कैसे आंसर प्रिपेयर करना है, ये सब बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। और 12th के जो रिपोर्ट कार्ड है आपको पता है जिंदगी भर यही मार्कशीट आपके काम आने, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे कुछ भी होंगे सबसे पहले आपसे 12th की मार्कशीट मांगी जाती है। इसीलिए ये आपके पास एक ऐसा वक्त है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको पूरा अपने आपको झोंक देना है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं 12th में 95+ स्कोर करूं और जिंदगी में एक अच्छे लेवल पे आगे जा सकूं। क्योंकि आप लोगों का सिर्फ टारगेट 12th पास करना नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब की एम होगी, UPSC का एग्जाम क्लियर होगा, ओके टाइम ऑफ ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होते हैं उनका एक टारगेट होता है, सपना होता है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना, और इसमें जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने हर एक चैप्टर को पूरा एक एक हफ्ता दिया है, तो यहाँ पे आपकी डिटेल प्रिपरेशन होगी। पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद एवरी संडे आपने क्या किया, टेस्ट दिया है जिसमें आपने MCQ 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे तो आप मुझे सबमिट कर सकते हैं टेस्ट को, मैं उसको चेक करके आपको बता सकती हूँ कि आप लोगों में कितने आंसर करेक्ट है कितने गलत है, या आपने आंसर जो भी लिखे है वो सही लिखे है नहीं लिखे है, तो वो सब मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो लेकिन पढ़ना आपने ही ध्यान रखना, और ये जो आप यूट्यूब पे ढूंढते हो कि 3 घंटे में कैसे 95 मार्क्स है, ये सारी इलॉजिकल चीजें हैं, इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको नहीं देखना आपको, लॉजिक पे बात करते हैं, जो रियलिटी है। मैंने बताया कि टारगेट में 2 चीज ध्यान रखना है, एक आपका न्यूमेरिकल टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे स्कोर क्या करना है, समझा कि अच्छे मार्क्स का मतलब कुछ नहीं होता, हर स्टूडेंट के लिए अच्छे मार्क्स अलग होते हैं, और दूसरा टारगेट ऐसा बनाओ कि जिसको अचीव कर सके, ताकि जब आप टारगेट अचीव करो तो एक आपको बहुत ही ज्यादा मतलब जो आपकी फीलिंग होगी ना उस टाइम शायद कोई भी नहीं एक्सप्रेस कर सकता कि आपने टारगेट सोचा है कि 95 लाना है और आपने 95 सच में स्कोर किया, उस टाइम जो होगा ना आपकी जो भी फेस का एक्सप्रेशन होगा या आपके पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होगी, जो पेरेंट्स आपको देखेंगे, तो वो सोच के पढ़ो कि जब आपके 95 आएंगे तो कैसा फील होगा आपको, और हर दिन अपने आपको मोटिवेट करो कि मुझे लाना है और यही 3-4 महीने ही लाना है,
हर स्टूडेंट यूनिक है, हर स्टूडेंट के पास ब्रेन है, हर स्टूडेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है कि आप 90 नहीं स्कोर किया है तो आप 12th में भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो प्री बोर्ड में 10 या 12 नंबर लेके आए और बाद में 2 या 3 महीने के अंदर उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है कि वो 95 या 90 अबव मार्क्स लेके आए। इसीलिए अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, टाइम जो बीत गया हम उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, जो है उसको यूटिलाइज करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आप लोगों को जरूर दूंगी, 3 स्पेशल मैं आप लोगों के लिए पेपर बनाऊंगी कि सीबीएसई का पैटर्न जो होगा वो सिलेबस बदला है तो किस तरह से 3 जो पेपर होंगे वो पूरी तरह से एक तरह समझ ले कॉपी होगी सीबीएसई पेपर की, वो मैं आप लोगों को दूंगी। बाकी आप लोग कोई भी दिक्कत है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं सारे कमेंट को पढ़ती हूँ, आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास ट्यूशन नहीं भी है, टीचर्स नहीं भी है, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सारे यूट्यूब पे मैं चैप्टर वाइज आपको हर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करूंगी, आप लोग टेस्ट दीजिए। और मैंने बताया था हमारे लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे भी यूट्यूब पे आपको आ रही हूँ, लाइव भी टाइम टाइम पे होंगी, आपके डाउट्स भी लूंगी। तो जो करना चाहते हैं लाइव पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके सर पे डंडा नहीं पड़े तो नहीं पढ़ते, उन स्टूडेंट के लिए ठीक है कि आपको मैं रेगुलर पढ़ाऊंगी, टेस्ट लूंगी, तो आपके प्रेशर होगा कि नहीं मुझे संडे को मैम को टेस्ट देना है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने ये ऐप भी बनाया, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहे कीजिए, नहीं करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, मैं सारे डॉट आप लोगों के सॉल्व करूंगी। तो किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। बस एक बात ध्यान रखना, देखो बच्चों आपको ना कोई बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता, थोड़े टाइम के लिए आप वीडियो देखोगे मोटिवेट होगे, अंदर से मोटिवेट हो। अगर आप खुद अंदर से जब मोटिवेट होंगे ना, नहीं मुझे स्कोर करना है, सिर्फ ये सोच रहा है बेटा कि ये जो आपकी लाइफ है ना दोबारा आपको नहीं मिलेगा 4 साल के बाद, जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म फिल कर रहे होंगे और तब देखोगे भैया इतने स्कोर होते तो ही बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, उस टाइम आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, काश मैंने पढ़ाई कर लिया होता, वो फीलिंग नहीं। जो भी है अभी है, टाइम बीतने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपके पास यही 3 महीने हैं 4 महीने हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग बहुत किस्मत वाले बच्चों की कोरोना आके मतलब इस टाइम पे है, वरना फ्रेंड सर्कल स्पेशली बॉयज वगैरह के आप कहीं घूमना नहीं है, कोई रिश्तेदारों का आना नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को फोकस कीजिए, टीवी फोन सब साइड में कीजिए, जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उसको पूरा यूज कीजिए और इस पैटर्न से पढ़िए। जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, टाइम टेबल नहीं बनाएंगे कि कितना मुझे किसको पढ़ना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आप नहीं हमेशा आपके दिमाग में जो उलझन कंफ्यूजन, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज से चाहे तो बुक फर्स्ट उठाइए, सेकंड उठाइए, एज योर चॉइस, जो भी आपको अच्छा लगे आप उठाइए। आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आज संडे है, आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और नेक्स्ट संडे आप देखिए कि क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर जो भी आपने प्रिपेयर किया हो, फर्स्ट बुक सेकंड बुक, उसकी कोई वो नहीं है कि आपको पहले फर्स्ट बुक ही करना है, क्योंकि दोनों ही जो बुक है वो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड है। और साथ ही साथ आप मुझे बताइए, भेजिए कि मैम हमने इतने चैप्टर प्रिपेयर कर लिए, उसमें आपको किसी तरह की कोई भी हेल्प की जरूरत हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगी, मैं पर्सनली हर कमेंट को पढ़ती हूँ, उनको रिप्लाई करती हूँ। इसीलिए आप लोग जो भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो जो रेगुलरली है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है, आप वैसे ही पढ़ते रहिए, मुझसे प्रॉब्लम पूछते रहिए। ओके, बच्चे मैंने रिड्यूस सिलेबस का आपको लोगों को मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया आप जाकर देखिए, मैं उसकी लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि किस चैप्टर को किसके साथ मर्ज किया हुआ है, किस चैप्टर को डिलीट किया गया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, उसको खोल के आप देख लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, अगर कुछ क्वेश्चन रह भी जाए तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिए, जो भी लाइव क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद भी मैं आप लोगों के सारे जो कमेंट्स उसको पढ़ के मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। और जो भी 1-2 चैप्टर के वीडियोस रह गए हैं वो रेगुलरली मैं ऑलमोस्ट बना चुकी हूँ, वो प्रोसेस में है, वो आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो ये जो डिस्क डाल दिया गया है,
तो इसमें आपको सारे पता चल जाएंगे कि कौन कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, किस चैप्टर को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया, किस चैप्टर के जो टॉपिक है दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया है। आप विनिक्वेस्ट ऐप में जाके वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, अगर आप विनिक्वेस्ट ऐप डाउनलोड करना चाहो तो करके देख लो, उसमें आपको ऐप में जाओगे तो आपको सारी स्टडी मटेरियल नोट्स वो सब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब आप नोट्स बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करो, आपको रेडी सब कुछ मिल जाए, आप उसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जा सकते हो विनिक्वेस्ट ऐप का, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हो। और किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो ये जो मैंने टारगेट दिया है बहुत ही प्रैक्टिकल टारगेट है और बहुत ही इजीली अचीवेबल टारगेट है, आप लोग मेरी बात मानो और इस तरह से पढ़ के देखो। ध्यान रखना कि जैसे आप लोगों के रिजल्ट आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी मुझे कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि हर बच्चा 90 प्लस 95 जो मैंने टारगेट रखा है ये बच्चा स्कोर करेगा, और हर बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि मैम आपके द्वारा पढ़े गए तरीके से मैंने अपने पढ़ाई की और हमारे स्कोर आए। ये कुछ फर्स्ट टाइम नहीं है, आपसे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको इन्होंने फॉलो किया है और सभी अच्छे स्कोर करके लाए, कमेंट किए उन्होंने। तो पता है ये चीज ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन जो भी टाइम है उसको पूरा यूटिलाइज करो, क्योंकि जिंदगी में ये टाइम आप लोगों के लिए कभी दोबारा नहीं आएगा। अगर आपको लेट पढ़ना है पसंद है तो लेट नाइट पढ़ो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने वाले बच्चे हो तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, जो भी टाइम कंफर्टेबल है, लेकिन टाइम को यूटिलाइज करो। अच्छा आप ओके समझ गया, जब आप आंसर देखते हो तो आपको समझ नहीं आता, तो बेटा आप एक चीज आप कर सकते हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और चाहो तो आप मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप मुझे बता सकते हो कि बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब मैं चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊंगी तो शायद मैं आपके प्रॉब्लम को समझ पाऊंगी। अपने आप को टेस्ट दो, अपने प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन जब आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपके कुछ भी डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते और जिस चैप्टर की प्रिपरेशन किया था आप मुझे वो क्वेश्चन भेजो एक बार, मैं समझाऊंगी आपको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। बाकी मैं जब भी लाइव क्लास दोबारा भी लूंगी तो मैं आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको पेपर करना है, क्वेश्चन को समझना है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के आपको समझ आ जाता है, लेकिन आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और डिटेल में पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि ठीक है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि अगर डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो जो एमसीक्यू जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आप कभी भी उसका आंसर नहीं दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज मान लें हम पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने कोई भी चैप्टर प्रिपेयर किया हो, तो जैसे कि मान लें हम देखते हैं कोई भी चैप्टर, जैसे कि अभी जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस करके कौन से न्यू इंस्टीट्यूशन बनाया गया है वो आपको पता होगा, क्योंकि वो चैप्टर का ही नाम है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिटेल में जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप लोगों मान लें क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पर, आपने तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पर तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो नेताओं के नाम बताओ कि जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे इन्वॉल्व थे, समझ आया। तो जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं पता होगा नैम जो है उसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी। इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको पता है मैंने 1 वीक और 1 चैप्टर दिया है, उसके बाद जो भी चैप्टर प्रिपेयर करो उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। बाकी हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू ये सब मैं आप लोगों को जरूर दूंगी, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। प्लस मैं कार्टून की भी रिवीजन कराऊंगी। हाँ पता है मुझे कार्टून में जो है अभी मैंने कवर नहीं किए, चैप्टर वाइज हम कार्टून भी करेंगे, कार्टून के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, और जो समरी टाइप क्वेश्चंस आते हैं यानी कि 4 लाइनें दी होती है उसके बाद आपको आंसर लिखने होते हैं, हम उसके भी प्रैक्टिस करेंगे। वो सब मेरे दिमाग में है, मैं बना रही हूँ सारी चीजें, सब कुछ आप लोगों को दूंगी, लेकिन अभी आप चैप्टर वाइज पढ़िए। यस निकिता कुर्चे जॉन एफ कैनेडी, आपने अच्छे से पढ़ा, ठीक है, गुड, थैंक यू। ठीक है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन मैंने बना दिया है, आप लोग धीरे धीरे वो सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें प्रोसेस में है, धीरे धीरे वो चीज आप लोग के सामने आएगी। आप लोग विनिक्वेस्ट ऐप पे भी जा सकते हैं, वहां पे मैंने सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज नोट्स मैंने डाल रखे हैं, आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कीजिए, उस नोट्स को लीजिए, ठीक है। हर एक चैप्टर के साथ में जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके आगे मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं 1 मार्क्स के, एमसीक्यू के, 6 मार्क्स के। जैसे आपने चैप्टर प्रिपेयर किया तो वहां से क्वेश्चन जो है उसको डाउनलोड कीजिए और खुद अपने आप को टेस्ट दीजिए और फिर उसको चेक कीजिए। आप मुझे भी सबमिट करा सकते हो टेस्ट देने के बाद, मैं चेक करके भी आपको बता सकती हूँ कि आपके जो भी आंसर है करेक्ट है या नहीं है।
और कोई क्वेश्चन मन में, या आप चाहते हो मैं और कुछ वीडियो बनाऊं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसमें आपको डाउट हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, जो मैं करा चुकी हूँ उसके रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप लोग चाहें कि मैं हर संडे आप लोगों के क्वेश्चन के लिए लाइव हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे, कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि संडे संडे मैं लाइव होकर आप सभी स्टूडेंट के जो क्वेश्चन हैं उसको लिया करूँ। हेलो हिमांशु, बस ये बात ध्यान रखना है आप लोगों ने कि इसके बाद आप लोगों को जिंदगी में दोबारा कभी ये मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए पूरा मेहनत करना है। पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ना, दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, अपने लिए पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं ऐसे पढ़ाई का, जब आप सोचोगे ना अपने लिए पढ़ना है तो ही आप अच्छा पढ़ पाओगे, ठीक है। ओके ओके ठीक है, मैं बना दूंगी सिलेबस। मेमोराइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी टॉपिक इज नॉट क्लियर, बच्चे कोर्स से डिलीट हो चुका है जो आप पढ़ रहे ना चाइनीज इकोनॉमी टॉपिक, ये अब न्यू सिलेबस के हिसाब से इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें बेसिकली चैप्टर के अंदर रिलेशनशिप आ गया, वो टॉपिक जो है वो हट चुका है तो उसको अब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ठीक है। तो आप लोग मेरी चैप्टर वाइज वीडियो मिलती है आप उसको देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख कर रखिए, ठीक है। अगर जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं लाइव आपके डाउट्स लूंगी, सारे सॉल्व करूंगी। बच्चे न्यू टॉपिक पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सिर्फ दो या तीन चैप्टर मुझे था, 2.5 चैप्टर्स है वो, उसकी वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है, प्रोसेस में है, मेरी तरफ से बन चुका है वो, अब बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। और तो ध्यान रखिए आज से ही आपको टारगेट बनाना है, 1 नवंबर है, हम सब यहाँ पे बैठ के सबके साथ, हमने जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पे, हम यहाँ पे अपने आप से कसम लेते हैं कि हमें 95++, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कौन कौन स्टूडेंट है, सबका मैं नाम नोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट से 95+ चाहिए, ध्यान रखना। और आपको इसी तरह से पढ़ना है, नेक्स्ट संडे आपको मुझे कमेंट में रिप्लाई करना है कि आपने किस चैप्टर को प्रिपेयर किया है, किसके क्वेश्चन आंसर दिए, किससे कौन से चैप्टर का आपने टेस्ट दिया है। तो हर एक वीक आप मुझे प्लीज रिपोर्ट कार्ड बनाइए, आप मुझे सेंड कीजिए, ठीक है कि, और हर मंथ के एंड में ये क्या सच में आपके 4 चैप्टर प्रिपेयर हुए नहीं हुए, और जैसे मंथ एंड में आपके 4 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे, इन चारों को मिला के हम एक कंबाइंड टेस्ट बनाएंगे, वो मैं आप लोगों को दूंगी, और फिर आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे कि क्या 4 चैप्टर सच में आपके क्लियर हुए या नहीं हुए। फिर सेकेंड मंथ में जब आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो इस 4 और इस 4 दोनों को मिलाकर 8 चैप्टर की टेस्ट लेंगे, और थर्ड मंथ में जब आपके मार्च जनवरी में 12 चैप्टर हो जाएंगे तो सीधा फरवरी से पूरे सिलेबस का एक साथ 80 मार्क्स की टेस्ट लेने स्टार्ट कर देंगे। तो टारगेट हमारा होना चाहिए कम से कम 10 से 12 पेपर जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूँ। आप लोग पता है विनिंगस ऐप में जाइए, वहां से नोट्स लीजिए, क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं, आप फालतू की चीजें छोड़िए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और बहुत सारे बच्चे मैंने बताया कि यूपीएससी बीपीएससी स्टेट लेवल के जो एग्जाम प्रिपेयर करने वाले उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, डिटेल में पढ़िए कि चैप्टर को, डेट को, हर चीज को, क्योंकि आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका सिलेबस बहुत वास्ट होगा, जितना आपने पढ़ लिया वो आपके माइंड में हमेशा रहने वाला है, इसीलिए डिटेल में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब मैं आपको दूंगी, लेकिन अगर मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी तो आप लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर छोड़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी में लग जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ आप ऊपर की पढ़ाई करें, डिटेल स्टडी करें, ताकि आप लोग कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके मन में कोई डर ना, जब आप ज्यादा पढ़ोगे हर चीज को क्लियर करोगे तो आपके मन में डर होगा ही नहीं, और जब 10 से 12 पेपर सॉल्व कर लोगे फिर तो आपको लगेगा कि हम तो मैम के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई पेपर का या बोर्ड का कोई प्रेशर ही नहीं होगा आप लोगों, और जब प्रेशर नहीं होगा तैयारी होगी तो क्या होगा, सिर्फ मार्क्स अच्छे आएंगे, जो टारगेट है वो अचीव करेंगे। और आप सोचिए जब आप लोग 95+ मार्क्स लेके आएंगे तो आपकी जिंदगी तो बदलेगी बदलेगी, जो पेरेंट्स जिन्होंने आपसे इतनी उम्मीदें रखे सपने रखे उनके बारे में भी सोचिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, मानेंगे, हर वीकली मुझे रिपोर्ट
करेंगे कि आपने कौन से चैप्टर प्रिपेयर किया है, मंथली रिपोर्ट करेंगे। और ऐसे हम जब लगता है मुझे कि 31 जनवरी आते आते हर बच्चा मुझे कंप्लीट सिलेबस की बताएगा कि उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, ताकि फरवरी में मैं आप लोगों के लिए जो 10 से 12 पेपर बनाए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिल जाएगा आपको जो भी आपके रिड्यूस सिलेबस आपको चाहिए, उसकी वीडियो मैं बना दूंगी, फिर से कोई बात नहीं। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, प्लीज आप लोग पूछिए या कुछ भी, कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो क्या डिस्ट्रेक्शन आती है, या क्या मतलब आप लोगों के मन में कोई सवाल आते हैं, या किसको लगता है कि मैं 95 स्कोर नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल टारगेट है, या एक हफ्ते में एक चैप्टर नहीं हो सकता, या 3 महीने में आप इस टारगेट को नहीं अचीव कर सकते, क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है? अगर आप लोगों को लगता है कि ये टारगेट अचीवेबल है, प्रैक्टिकल है, तो प्लीज यस का बटन दबाइए, मतलब यस लिखिए, रिप्लाई करिए यस। क्या लगता है सबको कि ये टारगेट अचीव हो सकता है, हाँ या ना? क्या टारगेट प्रैक्टिकल है या नहीं? क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे कि 3 घंटे पढ़िए और 95 मार्क्स लाइए, बट वो सब चीजें इम्प्रैक्टिकल है। इस तरह की चीजों में ना बिलीव करती हूँ, ना मैं आप लोगों को बोलूंगी बिलीव करने के लिए। ठीक है हिमांशु, गुड। और कौन से स्टूडेंट है जिन्हें लगता है कि अगर मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो 95 मेरे आ सकते हैं? और हर बच्चा कर सकता है, अपने आप को क्यों कम समझ रहे हो? जल्दी से कमेंट करो इस पे। गुड, सिर्फ 2 बच्चे ला सकते और नहीं, शाबाश, हर बच्चा ला सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री नहीं है 90 स्कोर करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको 90 की आदत है वही 90 ला सकता है, या कुछ ही बच्चों की मोनोपोली है फर्स्ट आने की, 90% लाने की, पता ना, डेमोक्रेसी है, सब ला सकते हैं, सबको अधिकार है यहाँ पे 90+ लाने का। गुड, मेरे तरफ से जो भी हेल्प होगा मैं 100% करूंगी, लेकिन आपको भी 100% अपडेट रहना पड़ेगा। जो भी कोई दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए। मैं आप लोग, पता ना, अगर आप लोग 50% मेहनत करेंगे तो मैं आपके साथ 100% मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन जब आप इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक सामने वाला इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ना आपने है, लर्न आपने करना है, पेपर आपने देना है, यह बात हमेशा ध्यान रखना है आपको। शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बच्चे, कोई बात नहीं, मैं हर एक चैप्टर का एमसीक्यू बना के दूंगी आपको, हर एक चैप्टर के 20-20 एमसीक्यू में दूंगी आपको, आप लोग उस पर आंसर करके मुझे सबमिट करिए, मैं उसमें चेक करूंगी कितने आंसर करेक्ट है, कितने आंसर आपके गलत है। और बताइए, 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सब दूंगी, प्लस हर एक चैप्टर के 20-20 मार्क्स के एमसीक्यू और कार्टून, वो भी जैसे चैप्टर खत्म होंगे वैसे वैसे आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग आज से चाहे फर्स्ट बुक करो चाहे सेकंड बुक करो, आपकी चॉइस है, ऐसा नहीं है कि आपको पहले फर्स्ट बुक ही करना है। तो कौन कहां से स्टार्ट करने वाले हो, फर्स्ट बुक से या सेकंड बुक से? जो पढ़ लिया ठीक है, आज से हमारा टारगेट है, ये नहीं कि आप फर्स्ट वीक में आप उसी को लोगे जो आपको अच्छे से आता है, ऐसा नहीं करना, अपने साथ चीटिंग नहीं करनी, ईमानदारी से पढ़नी है। तो हर एक बच्चा सबसे पहला सेकंड बुक से करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सेकंड बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है, ठीक है, आप लोग उसको देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा उसके मैं क्वेश्चन 20 एमसीक्यू, ठीक है, उसके बाद 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन, 4 मार्क्स से क्वेश्चन, 6 मार्क्स से क्वेश्चन, कार्टून वो मैं आपको दे दूंगी, आपको उसको सॉल्व करना है, उसको देखना है, कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे भेजिए सेकेंड बुक से। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप चाहे फर्स्ट बुक से करना चाहे सेकंड बुक से करना चाहे, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि एक बुक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। लेकिन अगर आप फर्स्ट बुक कर रहे हो तो पहले कंप्लीट फर्स्ट बुक ही करो, ऐसा नहीं कि फिर दूसरे बुक पे शिफ्ट हो जाओ, ताकि आपकी एक जो बुक है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। यानी कि 6 फर्स्ट बुक में कितना है, 6 है, यानी कि 1.5 मंथ, पता है, 1.5 मंथ में आपका जो फर्स्ट बुक है खत्म हो जाना चाहिए। इसके हिसाब से 15
दिसंबर तक, 16 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है हर एक बच्चा यही मुझे गिफ्ट देगा कि 16 दिसंबर तक हर एक बच्चे की जो एक बुक है वो कंप्लीट होगी, और हो सकता है कुछ दिन मैं लाइव हूँ और जो भी बुक आपने प्रिपेयर किए हो उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे हर बच्चे की मैं क्लियर करूंगी। क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, विच मैंने बताया आपको कि हर एक चैप्टर के साथ मैं अटैच करूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, कार्टून, उस सब मैं करने वाली हूँ। इसीलिए मैं लाइव हुई हूँ कि अब आप नहीं, मैं भी एक्टिव होने वाली हूँ यूट्यूब पे, अपने ऐप पे, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, वैसे भी मैंने बताया आपको कि हम ऐप के जरिए हर अल्टरनेटिव डेज पे मैं लाइव हो रही हूँ, अल्टरनेटिव डेज पे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास लेती हूँ बेटा, अल्टरनेट क्लास पे, एमडब्ल्यूएफ टीटीएस में दो बैचेस है। एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा आपको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, चाहे तो आप मेरे जो ऐप है विनिंग क्वेस्ट का, उस पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप विनिंग क्वेस्ट बेटा, प्ले स्टोर पे जाओ और वहां पे विनिंग क्वेस्ट लिखो, आपको वहां से जैसे विनिंग क्वेस्ट लिखोगे आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लो, आज ही डाउनलोड कर लो। वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल भी है, कुछ वीडियोस भी है, वो आपको मिल जाएंगे, और मैं इसको रेगुलर मैं इसको अपडेट करने वाली हूँ। तो आज से हमारा मिशन स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको ये बेसिकली बताना था कि हमारा मिशन आज से स्टार्ट हो गया, बस ये समझ लीजिए नवंबर आ गया, हमें बस लग जाना है, हमारे पास कुछ नहीं देखना, ये चार महीने जो है सिर्फ हमें एग्जाम एग्जाम और एग्जाम के लिए ही सोचना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जब एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद आकर बहुत लंबा टाइम होगा, आप जो भी करना चाहो अपने हॉबीज दोस्तों के साथ वो सब चार महीने के बाद करेंगे, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, आप ऐप से अवेयर नहीं हो तो आपको कहना है प्ले स्टोर पे जाओ, विनिंग क्वेस्ट लिखो, ठीक है, सबसे पहले हमारा ये ऐप आता है उसे आप डाउनलोड कर लो। आपको यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाई थी, उसको मैंने लॉन्चिंग का वीडियो बनाया था, ओके। तो मैं सोच आप लोग सभी बच्चे मुझे एक आंसर करेंगे कि अगर मैं नेक्स्ट लाइव होना चाहूं तो किस दिन हम लाइव क्लासेस रखें और टाइमिंग क्या रखें, ये जल्दी से आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दीजिए, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लाइव सेशन हमारा कब हो, और जब भी होगा आप लोग चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे, खत्म करेंगे, और उससे रिलेटेड हर एक बच्चे से मैं क्वेश्चन लूंगी, ओके। आप लोग प्लीज मुझे टाइमिंग और डेट, ताकि हर बच्चा मुझे दिखे, और प्रिपरेशन के साथ, आज अगर संडे है मान लीजिए, नेक्स्ट वीक हम लाइव होते हैं या कोई भी दिन, तो वहां पे मुझे दिखनी चाहिए आप लोगों की मेहनत। ओके, संडे टाइमिंग, और अपने फ्रेंड जो भी है उनको ही बताइए, पता है ना सोशल सर्विस है दूसरों की मदद करना, ओके, ठीक है। संडे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, कि पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चैप्टर उठाएंगे उससे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पे हम डिस्कस करेंगे, और हर एक बच्चा मुझे जो भी क्वेश्चन होगा बताएगा, ठीक है। 9 बजे देखते हैं, ज्यादा बच्चों की जो भी टाइमिंग प्रेफरेंस होगी उसी के हिसाब से हम रखेंगे। तो हर एक जो भी मैं क्लासेस रखूंगी उसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यू तो मैं आप लोगों से ओरली पूछ लूंगी, मुझे उम्मीद है आप लोग यहीं पे आंसर दे दोगे, क्योंकि मुझे हर अपने बच्चे पे पूरा विश्वास है कि वो लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखते होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आपके फ्रेंड ने आपकी मदद की, आप अपने फ्रेंड की मदद करो, दूसरे फ्रेंड की मदद करो। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, दूसरों के लिए भी सोचना है, ठीक है, देश के लिए सोचना है। आप बड़ा सब पढ़ेंगे तो ही इंडिया तरक्की करेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो आपसे हमसे है। ठीक है, तो टाइम और जो भी डे है प्लीज आप लोग मुझे कंफर्म कीजिए, ज्यादा जो प्रेफरेंस होगी वहां पे
मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी आप लोग चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए, लाइव क्लासेस होंगे, लाइव डाउट्स होंगे, लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा, हर बच्चे को जो भी डाउट्स होंगे यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जो मेरे चैनल को देख रहा है यहाँ पे 95 से कम कोई स्कोर नहीं करेगा, हर बच्चा स्कोर करेगा तभी विनिंग क्वेस्ट भी आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और सब आगे बढ़ेंगे। गुड, अगर आप हेल्प करते बहुत अच्छी बात है। तो एक बार आप लोग टाइम और जो डे है उसको कंफर्म कीजिए, किस दिन लाइव। और टारगेट सिर्फ कॉपी पे बनाने के लिए नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट संडे या जो भी मैं लाइव नेक्स्ट कर लूंगी, मैं हर बच्चे से पूछूंगी कौन से चैप्टर की प्रिपरेशन की है। और ध्यान रखिएगा, जो भी बुक उठाइएगा फर्स्ट या सेकंड, आपको उसी बुक को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, 9 बजे आते हैं, बच्चे को सूट कर रहा है। ठीक है, 9 बजे सब बच्चे को सूट कर रहा है। और डे संडे ध्यान रखिए, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है हर बच्चे से 95 से कम मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही। बुक फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। ओके, थैंक यू। नहीं नहीं, आपको आगे भी 16 दिसंबर को भी आना है, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, वहां पे सब बच्चे मुझे बर्थडे विश करेंगे। तब तक आपको 1.5 महीने का रिपोर्ट कार्ड भी सबमिट करना है कि आपने 1.5 महीने में क्या किया है। ओके, तो ठीक है, सभी ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संडे की डिमांड है, 9 o'clock टाइम है, तो फर्स्ट बुक हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर फर्स्ट करते हैं रात को 9 बजे। आप लोग नेक्स्ट संडे हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे और फर्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप लोग अभी विनिंग क्वेस्ट ऐप पे जाओ, वहां पे आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट संडे को जो हमारी क्लास होगी उसमें फर्स्ट चैप्टर के जो भी हमारे डाउट्स होंगे, एमसीक्यू होंगे, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, कार्टून डिस्कस करेंगे, ताकि फर्स्ट चैप्टर हमारा नेक्स्ट संडे तक कंप्लीट हो जाए। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर में आप क्या करोगे? फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक, उसमें आपको पहले क्या करना है, पूरा चैप्टर रीड करना है, उसकी वीडियो देखनी है, सुननी है। उसके बाद मैंने हर एक चैप्टर के एमसीक्यू 20-20 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिए। जब आप एमसीक्यू 20 के 20 सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब है कि चैप्टर आपको ऑलरेडी क्लियर है। क्योंकि देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आपको बेसिकली लर्न करने होते हैं, वो इतना बड़ा काम नहीं है वो लर्न करना। लेकिन जो एमसीक्यू वही आंसर दे सकता है जिसने डिटेल में पढ़ाई की हो, जिसको डिटेल में हर एक चीज के बारे में नॉलेज है। तो फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर कीजिए, आप ऐप पर जाइए, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, उसको सॉल्व कीजिए। और उसके बाद भी कोई भी आपको दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो नेक्स्ट संडे फिर से मैं लाइव हूंगी, आपके सारे डाउट जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होंगे, चाहे वो कार्टून से रिलेटेड हो, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, मैम आंसर कैसे लिखे, ये सारी चीजों को हम वहां पर डिस्कस करेंगे, हर संडे को डिस्कस करेंगे और एक एक चैप्टर को प्रिपेयर करते जाएंगे। उसके बाद मंथ एंड में जो भी हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे उससे रिलेटेड उसके टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, मुझे सबमिट कीजिए, मैं उसको चेक करूंगी, आप लोगों को वापस भेजूंगी, ताकि आपको प्रोग्रेस भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कितना। क्योंकि देखो, जब तक कोई आपको चेक करने वाला नहीं होगा ना, तब तक आपको पता ही नहीं होगा पढ़ क्या रहे, आप सही पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो एक कोई ना कोई आपको मॉनिटर करने के लिए भी चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा प्रेशर भी होना चाहिए, जो आप कोई लगे कि आपको देख रहा है। हाँ जी बेटा, YouTube पे जो लाइव क्लासेस है वो टोटली फ्री है, और जो ऐप पे है, मैंने बताया था ना, जो अल्टरनेटिव क्लासेस होती है वहां पे पेड है, छोटा सा अमाउंट है, 1200 रुपए, ये 3-4 महीने के लिए है पूरा, वो छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है आपको, 3-4 महीने जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक है वो, उस वहां पे आपको अल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस मिलती है। और ये जो यूट्यूब पे है वो टोटली फ्री है। वहां पे आपको नोट्स, चैप्टर वाइज सब आपको फ्री मिलेंगे, वो सब।
उसमें कोई पेमेंट नहीं करनी आपको। बेटा वो ऐप पे जब जाओगे तो वहां पे आपको अल्टरनेटिव, जैसे कि मान लो आप MWF की वो क्लास मिलती है, TTS मिलती है, जो भी मिलता है आपको अल्टरनेटिव बेसिस पे आपको वो क्लासेस मिलती है। अगर ऐप के जरिए आप वहां पे कोर्स बाय करती हो तो वहां पे आपको अल्टरनेटिव क्लास मिलती है, और यहाँ पे आपको संडे संडे मिलेगा, वहां पे नोट्स बहुत कुछ और भी बहुत कुछ है जो आप एक बार ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा वहां पे उसके फीचर्स के बारे में। वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे, आप देख सकते हो वहां पे। आंसर राइटिंग प्रॉब्लम होती है तो मैंने नोट्स बना रखा बच्चा, आप देखो कि हर एक आंसर को कितना लिखना है ये आप जाकर देखो। हेलो बच्चे, सबमिट कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता दूंगी, कहाँ पे सबमिट करना है मैं आप लिंक भेज दूंगी आप। तो वही है, सबसे पहले आपका काम क्या करना है, आप विनिंग क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। वहां पे आपको हर एक चैप्टर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, पहले चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर को कीजिए, आप मुझे सबमिट कराइए MCQ, मैं आपको चेक करके फिर मैं आपको वापस भेजूंगी कि आपके कितनी प्रिपरेशन हो गई है। क्योंकि जब तक बेटा आपको कोई टीचर नहीं होगा ना, कोई आपको देख नहीं रहा होगा आप क्या पढ़ रहे हैं, तब तक आप लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जो आपको साथ साथ मॉनिटर करता रहे, आपकी गलतियों को बताता रहे, क्योंकि आप गलत पढ़ो मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। आप मेहनत भी करो, अच्छे मार्क्स भी नहीं लेकर आओ, बाद में डिसअपॉइंटिंग आपको हाथ में लगे, मैं ऐसा नहीं चाहती। जो भी मेहनत करो उसका फल आपको मिलना बहुत जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन में बेटा कुछ डिलीट हुआ वो मैंने आपको बता दिया वीडियो में, उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर करेंगे वहां पे हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर लेंगे। और आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ये भी बच्चों की दिक्कत होती है आंसर राइटिंग में। तो ध्यान रखना है आप लोगों को क्या करना है, आज जाके फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करना है, पहले चैप्टर को रीड करना है, वीडियो देखनी है 2 से 3 बार, उसके बाद उस वहां पे आपको पता कि फ्री नोट्स भी दे रखे हैं मैंने, उस नोट को डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, उसके बाद चैप्टर के जो MCQ है उस पर ऑब्जेक्टिव चार, मतलब चार आपको ऑब्जेक्टिव होंगे आपके पास ऑप्शन होंगे, उसको टिक करना है, उसको टिक करने के बाद आप मुझे सबमिट कीजिए। क्योंकि जब आप MCQ अच्छे से करते हैं यानी कि 20 के 20 आपके ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। बाकी जो लर्निंग का काम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको 6 मार्क्स में कितने पॉइंट्स लिखने हैं कितना है वो मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। फ्री नोट्स बचा ऐप विनिंग क्वेस्ट ऐप पे है, अब विनिंग क्वेस्ट ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर पे विनिंग क्वेस्ट लिखो, ठीक है, वहां पे आपको ऐप मिलेगा, उसे डाउनलोड करो, वहां पे आपको हर एक चैप्टर वाइज नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, स्टडी मटीरियल है ये सब आपको मिल जाएगा। एक बार आप डाउनलोड करोगे तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या मिलेगा आपको, सब कुछ वहां पे पता चल जाएगा। तो क्लास के बाद आप लोगों को पहला काम यही करना है। तो फ्री नोट्स अलग है, पेड नोट्स उसमें ज्यादा है, मतलब वो देख लेना, जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप ऐप पे भी डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे भी चैटिंग ऑप्शन है, तो वहां पे भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स होंगे वहां पे भी हम ले सकते हैं। मैंने बताया था कि आप यूट्यूब के साथ साथ हम ऐप के जरिए भी जुड़ेंगे, कि आपको डबल वो मिल जाएगा कम्युनिकेशन का, कि आप कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, आप ऐप में जाकर वहां पे भी ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको चैट फैसिलिटी मिल जाएगी, वहां पे आप जाके पूछ सकते हो। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, पर्सनल डिस्कस नहीं हो सकते बेटा, वो जो है ना पेड कोर्सेज है उसमें आपको पर्सनल चैट फैसिलिटी मिलती है। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप वो विनिंग्स ऐप डाउनलोड करते हो उसमें कोर्स है, सिर्फ 1200 रुपए का कोर्स है, वो बाय करते हो तो आपको 4 से 5 महीने जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक वो फ्री है, वन टाइम पेड है, सिर्फ 1200 रुपए आपको वन टाइम पे करना है। और वहां पर आप जाओगे तो आपको डायरेक्ट चैट फैसिलिटी मिल जाएगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे,
आपको अल्टरनेटिव क्लासेस मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां पे, और भी बहुत कुछ है, आप डाउनलोड करो फिर देखो उसमें क्या क्या चीज आपको मिल रही है। हिस्ट्री आपको चाहिए, और भी बहुत सारे नोट्स अभी और हम अपडेट कर रहे हैं उसको, मैंने बताया था लास्ट वीक ही हमने ऐप लॉन्च किया था उसको, और रेगुलर उस पर काम हो रहा है, साथ साथ और भी काम हो रहा है। तो बस अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं देखना आगे पीछे, दुनियादारी की कोई खबर नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने टाइम टेबल पे फोकस करना है, 1 week = 1 chapter इस पॉलिसी को फॉलो करना है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि मन में जब भी आप रो कि मुझे 95+ स्कोर करना है। और जब हम अपने, पता नहीं कि जब हम अपने सपने को, अपने एम को बार बार दोहराते हैं तो हम उसको जीने लगते हैं, ये बात सोचो। इसीलिए हर पल आपके दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 95+ लाना है। मैंने बताया अगर आप लोगों ने पीछे अच्छा स्कोर नहीं किया है तो ये आपको अपने आप को प्रूफ करने का मौका है, कुछ करके दिखाने का मौका है। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो कि आप लोगों को टाइम मिला है, सही टाइम पे आप लोगों की आंखें खुल गई है, 4 महीने आपके पास है, 3 महीने में सिलेबस कवर करेंगे, फरवरी में हम रिवीजन करेंगे, ये सारे इसी पैटर्न से आपको पढ़ना है। हर संडे के संडे मुझे आप लोगों से रिपोर्ट कार्ड चाहिए कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा है, ताकि मैं सेटिस्फाइड हो सकूं कि आप लोग सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो और 95+ आ जाएंगे। सिर्फ एक दिन उठोगे और आप एक वीडियो देखोगे यूट्यूब पे कि 3 घंटे में कैसे स्कोर करें और आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बेटा अभी कोई मतलब कुछ फाइनल डिक्लेयर नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे मतलब हो सकता है पेपर एक्सटेंड कर दे, बट आपको उसमें नहीं जाना, आपके अभी आप मार्च को ही लेकर चलिए कि मार्च में ही एग्जाम है, उसी हिसाब से आपको प्लान टारगेट करना है। अगर एग्जाम आगे पोस्टपोन होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको और प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा, मे बी ना हो तो, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है इसीलिए क्योंकि टाइम कम है, तो मे बी पेपर को आगे पोस्टपोन ना करें, ये भी हो सकता है, क्योंकि फिर आगे आप लोगों की जो बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनको भी आगे पोस्टपोन करना पड़ेगा, तो ये सर दिक्कत आ सकती है। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, बता दूंगी, जो भी नई इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से आएगी वो आपको अपडेट मैं बहुत जल्दी कर दूंगी। फिलहाल आपको मार्च के हिसाब से पढ़ना है कि मार्च में ही आपके एग्जाम है, उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करनी है। बेटा सैंपल पेपर की क्या जरूरत है आपको, ये इन सब चीजों मत कीजिए, आप नोट्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, ये सैंपल पेपर में आप पढ़ेंगे उसमें आंसर इतने अच्छे फाइन नहीं लिखे होते, इसीलिए मैं कभी किसी को सैंपल पेपर रिकमेंड नहीं करती। आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, नोट्स पढ़िए, ठीक है। ये सैंपल पेपर में जो आंसर की जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, बच्चे पढ़ते 50-60 नंबर ही आते उनके, इसलिए मैं किसी बच्चों को रिकमेंड नहीं करती कि आप कोई ULI या इको सैंपल पेपर लो, उस पर फोकस मत कीजिए। आप लोग एनसीईआरटी बुक उठाइए, नोट्स आपको डाउनलोड कीजिए, वहां से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी मैं 10-12 पेपर कराऊंगी उसको देखा है, और जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उनसे सबमिट कराओ, मैं देखो आपके आंसर की क्वालिटी क्या है, आप क्या लिख रहे हो, क्यों आपका अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो क्या रीजन अच्छे मार्क्स नहीं आने के। सैंपल पेपर पे इन सब चीजों पे मत जाइए, एनसीईआरटी को बेस रखिए। थैंक यू, आप जैसे बच्चों सीख के वैसे ही मैं और मोटिवेट होती हूँ और मुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है। आप लोग अच्छा पढ़ते रहिए, अच्छा स्कोर करते रहिए, हर बच्चा जब 95 लेकर आएगा तो मुझे और आगे से जो आगे जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो ठीक है अभी हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है अभी हम खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, और आज हम सब मिलके जो भी सुन रहे हैं या प्लस करते कसम लेते हैं कि हमें अगले हफ्ते एक चैप्टर कंप्लीटली फुल एंड फाइनल कवर करना है और वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी कुछ भी हो जाए दुनिया में हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है, सिर्फ अपना लक्ष्य जो है उस पर केंद्रित रखना है, ठीक है। तो अभी हमें आप लोग गुड नाइट, बहुत रात भी हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप लोग चैट के थ्रू, कमेंट के थ्रू मुझे करिए, जब आप लोग मुझसे जुड़ते हैं,
कमेंट करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट संडे टाइम 9 बजे फिर से हम लाइव होंगे, फिर से एक दूसरे से लाइव होंगे, बात करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जब तक आप एक चैप्टर प्रिपेयर नहीं करेंगे मैं उस बच्चे के डाउट्स नहीं लूंगी। और वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं MCQ क्वेश्चन करूंगी आप लोगों से। MCQ में अगर आप लोग सही जा रहे हैं तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग सही पढ़ रहे हैं, और अगर MCQ जो बच्चा जवाब नहीं देगा, हम उस बच्चे से हम कोई डाउट हम नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, गुड नाइट, हम नेक्स्ट संडे फिर मैं लाइव होंगी आप लोगों से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और जो सपोर्ट है मुझे इस तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।